हेलो नमस्ते सस्रीकाल अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हीना है और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो अभी मैं नाइट केयर रूटीन करने जा रही हूँ। नाइट केयर रूटीन में मैं पहले आई से शुरुआत करती हूँ एंड मैं कॉटन पैड्स कुछ टाइम तक ऐसे ही रखती हूँ बिकॉज फिर इजी हो जाता है इसे निकालने में। जब मैं जेट एयरवेज के टाइम ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर ने मुझे ये बताया था कि आप ऐसे आई मेकअप निकालते हो एंड ऑल्सो मैं सुबह ही मेकअप लगा देती हूँ। मॉर्निंग केयर रूटीन जो रहता है आफ्टर शावर वो मैं करती हूँ एंड यप रात को जो है अब मैं वो बता रही हूँ आपको। ऑल्सो यू नो मुझे मेकअप का शौक बहुत पहले से था, ऑफकोर्स बचपन से ही आ गया था। कभी जब मेरे डैड इंडिया आते थे, घर आते थे, मतलब तब यू नो मेरे लिए ऐसे छोटे छोटे स्किन केयर रूटीन्स या मेकअप लेकर आते थे तो मैं उनको लगाती थी। एंड आई रिमेम्बर जब मैं फोर्थ या फिफ्थ स्टैंडर्ड में थी आई गेस, तभी यू नो एक आंटी थी कोई एंड उनकी होने वाली बहू, आई गेस या होने वाली बहू दुबई से आई हुई थी, तो वो उनको घर घर में लेके जाती थी, बोलती ये मेरी होने वाली बहू, ये मेरी होने वाली बहू है। सो यू नो मैं उनके एक बार घर गई रही तो मैं उनको देखती थी कि वो सुबह उठते ही खुद को सजती संवरती थी, फिर अपने बेटे को बाद में ऑफकोर्स शादी के बाद जब वो आई तब फिर उनके बेटे को यू नो सजते संवारती थी। तो आई लाइक दैट कि वो पहले खुद अच्छे से संवरेगी, अपने लिए पहले ही टाइम निकालेगी एंड देन बाकी सब काम करेगी। सो समवेयर यू नो उन्होंने मुझ पे वो छोड़ दिया, बोलते ना वो छाप छोड़ दी कि तुम सुबह उठो और तुम अच्छे से जो भी तुम्हारे पास है उसे सजो संवरो। एंड रात को वो भी ऐसे ही बैठ जाती थी कि चलो अभी मेकअप निकालते हैं, अभी अच्छे से शावर लेते हैं। सो या ऑल्सो वो मेरे लिए स्पेशल इसलिए इतनी थी, आई रिमेम्बर कि यू नो जब यू नो सब बड़े मिलते हैं एंड बात करते हैं कि इसकी तो ये उम्र में ही शादी हो जानी चाहिए, ये वो तो कुछ तो टॉपिक निकला था। तब मैं उन्हें भाभी बोलती थी तो तब उन्होंने मुझे थोड़े से कॉर्नर में ले गए और मुझे बोला कि यू नो हिना अगर तुझे शादी करनी है ना, जो भी तेरी शादी की बात कभी ऐसे चले या कुछ भी, तो ये बात याद रखना हमेशा कि शादी तो तू कल भी कर सकती है। शादी का क्या है, शादी तो हम कल भी कर सकते हैं, एक साल बाद कर सकते हैं, एक महीने बाद कर सकते हैं। तो अभी जाना किसी लड़के से, यू नो इतनी हमारी पॉपुलेशन है, तुझे कहीं ना कहीं एक लड़का तो मिल ही जाएगा। तो बोलेगी चलो शादी करते हैं, शादी हो जाएगी एक दो हफ्ते में। तो ये गलती कभी मत होने देना अपने साथ। अभी तुम पढ़ो और बहुत सारी बुक्स पढ़ो। उन्होंने मुझे पूछा तुम बुक्स पढ़ती हो, तो मैंने कहा मैं स्कूल के बुक्स पढ़ती हूँ। तो उन्होंने बोला ऐसे वाले बुक्स नहीं, जैसे कि उन्होंने तब मुझे बताया कि रिच डैड पुअर डैड एक करके बुक है वो पढ़ो। अब तो रिच डैड पुअर डैड बहुत काफ़ी फेमस है, मैं इंस्टाग्राम एंड यहाँ वहाँ देखती हूँ, आई नो दैट। बट यू नो एट दैट टाइम आई गेस मैं सेवेंथ या एट्थ स्टैंडर्ड में होगी, तब उन्होंने बोला कि यू नो मैं देकर जाऊँगी तुम्हें ये बुक। तो दुबई जाने से पहले ना उन्होंने मुझे ये बुक दी। तो जब वो मुझसे बातें करती थी ना, मैं बस ऐसे कि मैं बच्ची थी ना, मैं इर्द गिर्द ही घुमा करती थी बिकॉज वो जो थी ना वो मुझे बनना था। मुझे ऐसा था कि जब मैं इतनी बड़ी हो जाऊँगी ना तो मुझे भी यही एटीट्यूड चाहिए एकदम, मतलब कि सुबह उठना, तैयार होना एंड बुक्स पढ़ना। वो जिस हिसाब से बातें करती थी ना, और आई गेस दुबई में किसी कंपनी में बहुत ही अच्छी पोजीशन में थी एंड यू नो कोई ऐसे कोई दुबई से आता है, तुम छोटे होते हो और सब लोग वाह 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 ये कौन है, ये कौन है, ऐसे करते, तो एज अ बच्चे तुम भी ऐसे देखते हो कि यू नो वाह ये कौन है करके। तो यस, तो वो जो भी पढ़ती थी, वो जो ऐसी थी, तो मुझे ऐसा था कि ये ऐसी कैसी है, मतलब ये इतनी इतना नॉलेज कहाँ से है। बिकॉज जहाँ पे मैंने सुना कि जब वो दुबई पहुँची थी तब वो एज अ कॉल सेंटर में कहीं काम करती थी, पांच छह लड़कियों के साथ रहती थी, वो भी सिटी से एकदम ही दूर, ताकि यू नो उनको इतना पे करना ना पड़े। एंड फिर शादी के बाद उन्होंने MBA कंप्लीट किया, बट शादी के पहले ही वो काफ़ी अच्छी पोजीशन में अपने एक्सपीरियंस की वजह से पहुंच चुकी थी। एंड
उनमें ना आई मीन जो वो चंडीगढ़ से थी, जो लड़की जो चंडीगढ़ से है, आई गेस उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी मॉम घर घर जाके यू नो क्या बोलते हैं, हाउस सर्विस करती थी. तो आई वॉज लाइक, उन्होंने मतलब थोड़ी सी क्या बोलते हैं, तो उन्होंने गरीबी एक टाइम पे देखी, फिर वो फाइनेंशियल रिजनेबल प्राइस हो गया उनका. उन्होंने एक बार एक गरीबी देखी, फिर वो अपग्रेड हुए थोड़े, वो मिडिल क्लास फैमिली हो गए, फिर और बढ़ते बढ़ते वो रिच होती गई, फिर और रिच होती गई. बट मैंने ऐसे भी बहुत रिच लोगों को देखा है जिनके ऐसे कुछ एक अलग बात करने का तरीका होता है, एक थाट वाला कुछ, तो एक बॉडी लैंग्वेज हो जाता है उनकी आंखों से ही, जैसे वो एक लोगों को देखते हैं और वो खुद के बारे में जब किस हिसाब से बात करते हैं, वो इंटेंशन, इंटेंशन बोलूंगी मैं, और एटीट्यूड, उससे कुछ अलग पता चलता है, राइट? और एज अ तो जब तुम बच्चे होते हो तुम्हें बहुत ही अच्छे से और पता चलता है. तो बट वो जो थी ना, उनके उसमें एक ठहराव था, बहुत हम्बल थी. एंड मैं ऐसे सोचती थी यू नो, अगर मैं कभी इनके पोजीशन में ऐसे कभी पहुंची, आई विल बी जस्ट लाइक हर, यू नो, बिकॉज मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद आते हैं जिनके पास जो मटेरियल वर्ल्ड में सब कुछ अफोर्ड कर पाते हैं, बट वो स्टिल यू नो, वो लोगों से बात करते हैं अच्छे से, वो खुद को एकदम हवे में नहीं उड़ा देते, एंड उनका बात करने का तरीका इज़ वेरी नाइस, हम्बल, स्लोली बात करो, लोगों को रिस्पेक्ट करो, ह्यूमन ह्यूमन को ह्यूमन की तरह यू नो देखा जाए, रखा जाए टाइप. सो मैंने सोचा कि चलो मेकअप निकाल ही रही हूँ तो थोड़ी गपशप भी करूँ. ये सब जब तुम बच्चे होते हो और तुम्हें कोई ऐसा मिल जाता है और तुम्हारे लाइफ में इतना बड़ा इम्पैक्ट छोड़ के जाता है, तो यू नो बात ही कुछ अलग है. आई एम वेरी लकी कि मैं ये एज में उन्हें मिली, बिकॉज हुआ क्या बाद में, अगर मुझे नहीं पता, अगर मैं नहीं मिली होती तो शायद क्या ही होता. बिकॉज एक टाइम पे जब मैं बहुत ही डिप्रेशन से जा रही थी एंड मुझे थोड़ा रिस्ट्रिक्शन था कि मैं बाहर नहीं जा सकती, इन्हें नहीं मिल सकती, उन्हें नहीं मिल सकती, घर पे ही रहना. एंड डेफिनेटली ऐसी बहुत सी लड़कियां अभी भी होगी या लड़के होंगे जिन्हें जिनके पास इतना इंटरनेट का डेटा नहीं होता है या खत्म हो जाता है, कम इंटरनेट होता है यूज करने के लिए, राइट? तो वो टाइम पे आप क्या कर सकते हो, आप बुक ला सकते हो, या आपके पास सिर्फ इंटरनेट है तो आप पॉडकास्ट सुन सकते हो, ऑडियो बुक्स कर सकते हो. या मैं पढ़ती थी ज्यादा, बिकॉज जब मैं पढ़ती हूँ तो मैं फील लेती थी ऑडियो बुक्स में या इसमें, तो वो भागते भागते रहता है, तो मुझे पॉज करना ऐसा पसंद नहीं है एंड मुझे उनके स्पीड में भी सुनना पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं पढ़ती हूँ और यू नो बस ऐसे पढ़ूंगी एंड फिर मैं अपने ख्यालों में खो जाऊंगी. तो माइट बी समवेयर मैंने मैनिफेस्ट भी शायद ऐसे किया है. फिर मैं अपनी एक डायरी लेके बैठूंगी, फिर मैं उस पर लिखूंगी मैंने क्या समझा, मैं किस हिसाब से इस बुक को देख रही हूँ, मैं अब वर्ल्ड को कैसे ले रही हूँ. तो भले ही मैं बाहर नहीं गई, मैं बहुत रेस्ट्रिक्टेड थी, बट ऐसा लग रहा था कि कुछ दिमाग के वायर्स ना ओपन हो रहे थे, और ओपन हो रहे, मतलब कि सोचने का तरीका आई मीन कि और ओपन हो रहा था. मैं बाहर सो जब मैंने 17 जब 17 साल की थी तब मैंने जॉब करना शुरू किया, यू नो. सो फ्रॉम दैट पीरियड से लेकर अभी तक, अब तो मैं ब्रेक में हूँ, मुझे कहीं ना कहीं बुक्स ने बहुत कुछ हेल्प किया. आई मीन लोगों को समझने में, खुद के साथ रहने में, अकेले खुद के साथ ही फ्रेंडशिप करने में. आई नो ये थोड़ा स्ट्रेंज लगता है सुनने में, बट बिकॉज मैं आज जो हूँ, जहाँ हूँ, आई फील वेरी सेफ एंड वेरी नाइस विथ माई सेल्फ. व्हेन आई एम टेलिंग विथ माई सेल्फ, मतलब कि आज भगवान ऐसा कभी कुछ होना वापस से, बट यू नो बहुत सारे लोग हैं जो इतने डिप्रेशन में जा रहे हैं एंड सुसाइड तक के थॉट्स आते हैं, एंड बहुत लोग सुसाइड कर भी देते हैं, यू नो. तो
तो आई फील उनको बचपन से ही मेंटली स्ट्रांग रहना आना चाहिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक जैसे खाना पीना जिम है, वैसे ही ब्रेन के एक्सरसाइज, सोचने का तरीका, बात करने का तरीका, फ्रीडम जो एक बच्चे को मिलनी चाहिए वो सब होना चाहिए. यू नो, जब मैं अभी फ्लाइट में रहती हूँ तो मैं बहुत कम पेरेंट्स को ऐसे मिली हूँ जब मैं पूछती थी कि व्हाट वुड यू लाइक टू हैव एंड व्हाट शी और ही वुड लाइक टू हैव, बिकॉज लोग बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे, राइट? तो वो बोलते थे, दे यूज टू आस्क खुद के बच्चों को कि व्हाट यू वुड लाइक टू हैव, एप्पल, ऑरेंज. दे हैड दैट फ्रीडम, नॉट जो मॉम बोलेगी. एंड दे यूज टू टेल मी कि आप उनसे बात करो, आप उनसे पूछो. तो दैट्स हाउ बच्चों को अब आता है पहले से ही कि हाँ, दे आर वेरी कम्फर्टेबल स्ट्रेंजर्स से बात करने, अपना राइट्स पूछने. उनको हम बच्चों को ये पता रहता है अभी मोस्टली, यू नो, बिकॉज एज अ पेरेंट क्या चाहिए, मुझे उनके मॉम डैड से पूछना पड़ता है कि उन्हें क्या चाहिए. तो आई मीन आई वॉन्ट एज अ किड, मतलब अगर मेरे बच्चे हो गए तो मुझे चाहिए कि यू नो उनकी एक अपनी चॉइस हो, और उनकी जो चॉइस हो मुझे पता चले कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ताकि जब वो बड़े हो तो एकदम शाय ना फील करें, या खुद को एक रूम में 10 लोगों के साथ हो तो खुद को नीचा फील ना करें कि मैंने तो ये कभी किया ही नहीं है, मुझसे कैसे होगा ये वो. बिकॉज बहुत सारे पेरेंट्स ना अपने बच्चों को इतना प्रोटेक्ट करते हैं कि वो बच्चे की खुद की इंडिविजुअल आइडेंटिटी जो है वो कभी, वो बच्चे की जो खुद की एक पहचान है वो खुद ही नहीं जान पाता. वो अपने मॉम डैड के तरफ पूछता है, मैं क्या करूँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ. एंड कोई कोई पेरेंट्स को मैंने ऐसे पाया है जो ताली बजाते और बोलते हैं, मेरा बच्चा मुझसे बिना पूछे कुछ भी नहीं करता, वो तो अंडरवेयर भी पूछता है मैं आज क्या पहनूं, विच इज नॉट नाइस, दिस इज नथिंग टू बी प्राउड ऑफ. मुझे थोड़ी देर लगेगा मेरे पीछे कोई है. दिस इज नथिंग टू बी वेरी प्राउड ऑफ, यू नो, कि मेरा बच्चा तो मुझसे बिना पूछे कुछ करता ही नहीं है, चाहता ही नहीं है. येस, आई अंडरस्टैंड जो बहुत मेन चीज़ें होती है वो शेयर करते हैं आप लोगों से, बट खाने में, पहनने में, यू नो, अगर वो इतने बड़े हो गए एंड स्टिल उनकी एक अपनी एक चॉइस नहीं है तो वो खुद को कब पहचानेंगे, वो लाइफ को टच कब करेंगे. तो आई फील आप उनके दोस्त बनो, आप उनके पार्ट बनने चाहिए, विटनेस बनने चाहिए, बट कंट्रोल नहीं कर सकते, यू नो, जब तक कि वो एकदम अपने बॉडी को कुछ हार्मफुल नहीं कर रहे हो, या हार्मफुल चीज़ें नहीं खा रहे हो, या कुछ गलत चीज़ देख रहे हो, तब तक जैसे कि बेसिक चीज़ें हैं वो एक फ्रीडम दे देनी चाहिए, यू नो. सो मुझे ये काफ़ी प्रॉब्लम हुई, बट थैंकफुली मैंने 17 साल की उम्र से ही जॉब करना शुरू कर दिया था, तो ये प्रॉब्लम मेरे से गायब हो गई कि यू नो ट्रैवल कैसे करोगी, मैं लोगों से बात कैसे करोगी. आई स्टिल रिमेम्बर मैं जब भी ट्रेन स्टेशन गई थी एंड मैंने बोला था कि मुझे, आई गेस आई डोंट रिमेम्बर कहाँ, आई गेस मैं थाने गई थी इंटरव्यू देने एट दैट टाइम, या कहाँ, मुलुन, ओके, मुझे याद नहीं आ रहा. तो समवेयर जो, अगर फॉर एग्जाम्पल चलो थाने, ठीक है, तो मैंने बोला मुझे थाने जाना है, और थाने कैसे जाते हैं, तो उन्होंने बोला पहले दादर, दादर से उतरो फिर थाने जाओ. मैंने कहा मुझे पर थाने जाना है, मुझे दादर नहीं जाना. तो वो बोले कि लेकिन दादर से होकर ही आपको थाने जाना पड़ेगा, आप डायरेक्ट कोई ट्रेन थाने नहीं जाती. तो मैंने कहा तो कहाँ डायरेक्ट ट्रेन थाने जाती है, मुझे वहाँ से टिकट लेना है फिर. तो बोलते हैं यहीं से टिकट मिलेगा, लेकिन आप पहले दादर जाओ फिर थाने जाओ, और बस इतना याद रखो बोरी वोरी सबको दादर उतरना है, फिर दादर से दूसरा ट्रेन पकड़ना है और थाने जाना है. फिर मैं ट्रेन में, मैंने 2-3 ट्रेन मिस कर दी एंड आई वाज लाइक कि जाने देती हूँ, मेरी हिम्मत नहीं हो रही. तो तब भी एक आंटी ने मेरा हाथ पकड़ा और बोला चल मैं लेकर चलती हूँ, लाइक मैं चढ़ाती हूँ. पर फिर धक्के से तो मैं चढ़ी गई. एक बार आंटी ने थोड़ा आगे पुश कर दिया तो मुझे, फिर उसके बाद मैंने कहा चलो ये आंटी मुझे अच्छी लग रही है, मैं आंटी को पूछती हूँ कि ये ट्रेन अभी ईस्ट में है कि वेस्ट में है. आंटी बोली क्या? तो ना बोला ये अब जो हम बैठे हैं ट्रेन में, हम ईस्ट की तरफ है कि वेस्ट की तरफ है, क्योंकि मुझे तो पता नहीं दादर में उतरना है बट मुझे नहीं पता कि ईस्ट में उतरना है कि वेस्ट में उतरना है.
आंटी बोली कि कहाँ जाना है आपको, मैंने कहा थाने जाना है मुझे, पर वो बोली कि दादर जाना पड़ेगा पहले। शी वॉज सो स्वीट, वो आंटी इतनी स्वीट थी। उन्होंने बोला दादर जब आएगा मैं आपको उतार दूंगी, फिर दादर से बता दूंगी कि थाने कैसे जाना है। तो वो हो गया था यू नो, एंड तब मुझे एक कॉन्फिडेंस आया कि वाओ मैंने तो ट्रेन में खुद से ट्रैवल किया है, खुद इंटरव्यू दिया है। हालांकि सीवी लेके नहीं गई थी, और इंटरव्यू में पूछा सीवी कहाँ है, मैंने कहा ये क्या होता है, ये तो आप ऐसे ही इंटरव्यू देने आ गई, तो मैंने कहा हाँ मैं तो, बट हाँ हो गया था। आई गेस इट वॉज टॉय स्टोरी 3, डिज्नी टॉय स्टोरी 3 का था। हाँ यू नो, मैंने इतने इवेंट्स किए ना कि मैं भूल गई हूँ कि मैंने वो टाइम पे कौन सा इवेंट का हाथ में लिया था। आई गेस पर डिज्नी टॉय स्टोरी 3 था। ये मेरा इवेंट का फर्स्ट जॉब था, बट मेरे लोकल पास में ही मैंने यूनिनॉर या टाटा डोकोमो के वाईफाई समथिंग का, जो लैपटॉप के साथ भी आप ट्रायल कर सकते हो, उसका भी कुछ मैंने किया था कॉल सेंटर में जॉब। यप, तो मैंने अपना स्किन का जो है वो अच्छे से साफ कर दिया है आई गेस। अब मैं फेस वॉश करूँगी। आज मैं नहीं बताऊंगी कि मैं फेस वॉश कैसे करती हूँ, आई गेस मैंने पुरानी वीडियो में बताया है, बट मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या यूज़ करती हूँ। सो मैंने अभी फेस वॉश कर लिया है एंड मैं आपको भी बताऊंगी। ओके सो ओके वेट, चाहिए आपको ऐसे दिखे। तो टिंग, तो मैं अभी क्लिनिक का यूज कर रही हूँ। फोमिंग क्लेंजर है मूस, जो है कॉम्बिनेशन ऑयली टू ऑयली स्किन। आप, मैं एक चीज़ें नहीं लगाती हूँ अपने फेस पे, मैं हर रात को चेंज करती हूँ। हर रात को मतलब एक हफ्ते, दो हफ्ते, तीन हफ्ते बाद दूसरे तीसरे हफ्ते की रात को चेंज। मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में भी 3 हफ्ते मैं कुछ लगाऊंगी तो 3 हफ्ते बाद मैं कुछ और लगाऊंगी, या जल्दी से ही मैं कुछ यू नो हाउ यू से नेक्स्ट डे शायद मैं बदल लूँगी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि, तो अगेन जेट की ट्रेनिंग में मुझे उन्होंने कहा था कि आप एक ही दिन एक ही लगाओ, दूसरे दिन दूसरा ही लगाओ, थर्ड डे वो एक ही चीज़, तीसरे दिन लगाओ, बट अलग अलग लगाते रहो। अगर आपको लगता है कि आपको फ्यूचर में डार्क सर्कल्स हो सकता है, यू डोंट नो, बट लगा लो आप, यू नो एंटी एजिंग, आप 28, 30, 35 में होगे जब आपकी उम्र होगी, बट आप अभी से लगाओ। तो वो सारी बातें मैंने पकड़ के रखी थी, तो इसलिए मैं आज जो यूज़ कर रही हूँ मैं आज बता रही हूँ। मैं कंफ्यूज नहीं करूँगी कि मैं फिर सेकेंड डे क्या करती हूँ, थर्ड डे क्या करती हूँ। अभी मैं रियाद में रहती हूँ, और रियाद में अब हुआ क्या है मेरी स्किन को, मैं जब दोहा में थी कतर में, तभी मेरी स्किन जो है वो कॉम्बिनेशन थी। जब मैं फ्लाई करती थी, मैं फ्लाइट में थी, तो मेरी स्किन ड्राई हो जाती थी, फिर मैं किसी और डेस्टिनेशन में पहुंचती थी, फिर पानी, वो वेदर, वो एसी, वो एनवायरनमेंट, फिर मेरी स्किन अलग हो जाती थी। अगेन आई थॉट दैट आई विल सेटल डाउन नाइसली कि किसी एक जगह में फ्लाइंग बंद हो जाएगी तो मेरी स्किन नॉर्मल हो जाएगी, बट रियाद में भी मेरी स्किन, अगर सुबह मेरी स्किन पील हो रही है तो दोपहर को आते आते या शाम को होते होते थोड़ी ऑयली हो जाएगी, देन अगेन रात को थोड़ी सी ड्राई होगी बट स्किन पील नहीं होगी, एंड रात को सोते सोते लिटिल बिट ऑयली, फिर मोर ऑयली, ऐसे होता है। मेरा स्किन बदल रहा है, बहुत ही बदलता है, ठीक है? तो मेरा स्किन बहुत बदलता है, अब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। तो ये जो है ये है मेरा दोस्त है, तो मैं तो मैं इसे लगाती हूँ हल्का सा इस पे, जो मैं अभी नहीं लगाऊंगी बिकॉज जो वेस्ट नहीं करना, एंड फिर इसको मैं रगड़ूंगी नहीं, मैं इसको एक जगह, अब मैं अपने फेस पे नहीं लगाना चाहती बिकॉज मैंने अपना मुंह साफ किया है, उसको मैं एक जगह रखूंगी
दूसरी जगह रखूंगी, तीसरी जगह रखूंगी, यहाँ यहाँ यहाँ। मैं इसको सर्कल मोशन में नहीं करूंगी, हल्का सा करूंगी करना है तो, बट मैं इसे रगड़ूंगी नहीं, एकदम हल्के से करूंगी। एंड देन इसके बाद मैंने फेस वॉश कर लिया, मेरा जो फाउंडेशन था वो एकदम अच्छे से निकल गया। एंड देन अगेन मैं धो लूंगी अच्छे से ताकि आई एम श्योर कि ये हो चुका है। उसके बाद अब जब मेरी स्किन वेट ये मेरे पास मुझे देखना पड़ेगा, टन 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 टन। सो जब मैं क्लिनिक गई थी डॉक्टर के पास, उन्होंने मुझे बोला कि आप सुपर आई लिफ्ट 3-in-1 ट्रीटमेंट, मैंने एक वीडियो देखा था उस पर बताया था कि आप हमेशा मॉइस्चराइजर लगाना हो, कुछ भी लगाना हो, आप यहाँ पे रखो और फिर लगाओ, बिकॉज ये पार्ट हमेशा क्लीन रहता है एज कम्पेयर टू दिस। सो मैं हर चीज़ में डरती हूँ, बट मैं इसमें इंटेंशनली डरती हूँ, चाहे मैं अपना मेकअप निकाल रही हूँ, चाहे मैं क्रीम लगा रही हूँ, अगर मुझे किस बात की एक चीज़ की नॉलेज आ जाए कि यू नो लाइक एक चीज़ की नॉलेज आ जाए, फॉर एग्जांपल मुझे पता चल गया कि आप इस पे रखते हो, इस पे नहीं रखते हो, और वो मुझे लगे कि हाँ ये बात तो सही लग रही है मुझे, तो मैं हर चीज़ मैं एक हेल्दी वर्जन डर का रखती हूँ। एंड जैसे कि ये हो गया, मैं ऐसे ऐसे नहीं करूँगी क्योंकि मुझे लगेगा कि मेरी स्किन फिर लूज हो जाएगी। अब मैं इसे खुद ही ये है सीरम जो कलर भी देता है, या तो मैं ये लिप बाम लगाऊंगी। मैं हर चीज का लिंक आपको भेज दूंगी जैसे कि मेरे पास आपका ईमेल आईडी होगा। ओके सो मैं आज क्या लगा रही हूँ वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये है अभी डबल सीरम क्लैरिंस का, एक पंप लिया। सबसे पहले सीरम, उसके बाद मैंने सेरावे का मॉइस्चराइजर, बिकॉज मेरी स्किन अभी थोड़ी सी ड्राई है तो मुझे मॉइस्चराइजर चाहिए। से छोड़ दूंगी, छोड़ दिया, ठीक है। आज सिर्फ मैं यही लगाऊंगी और मैं बहुत सारी चीजें नहीं लगाऊंगी, मैं छोड़ दूंगी उसे। मैं नेक्स्ट रात को क्या करूंगी, मैं क्या करती हूँ, मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगी, आज नहीं, ठीक है। सो आप भी अगर रात को देख रहे हो तो गुड नाइट, सुबह देख रहे हो तो गुड मॉर्निंग, एंड मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी। बाय। प्लीज सब्सक्राइब शेयर, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़, थैंक यू।